सीएम योगी ने फिरोजाबाद को दी करोड़ों की सौगात, आलू किसानों के लिए बड़ा ऐलान। प्रदेश में भाजपा सरकार का एक साल पूरा होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को तीसरी बार फिरोजाबाद पहुंचे, जहां सीएम योगी ने 34 करोड़ 48 लाख के दो विकास कार्यों का शिलान्यास और 2 करोड़ 253 लाख की लागत के 17 कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार आलू किसानों के प्रति गंभीर है, जल्द ही सरकार आलू किसानों के लिए अलग से बोर्ड का गठन करेगी, साथ ही यहां के कांच उद्योग को ब्रांडिंग कर बढ़ावा देगी। शिलान्यास भी किया जा रहा है और लाभार्थी योजनाओं का लाभ लाभार्थी परिवारों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर फिरोजाबाद की जनता को हृदय से बधाई देता हूं, लाभार्थियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जैसे उद्यम आप लोगों ने यहाँ के कांच के उद्योग को आगे बढ़ाने में अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया है, आलू उत्पादक किसानों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से इसको एक पहचान दी है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार की इस कार्य योजना के साथ आप सभी लोग जुड़ करके विकास की योजनाओं को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास और सुशासन के मंत्र को आम जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ तय वक्त पर 11 बजे सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन के मैदान में पहुंचे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने यहां प्रदर्शनियों का निरीक्षण किया, इसके साथ ही 20,000 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। उन्होंने ये भी कहा है कि फिरोजाबाद के कांच उद्योग की सरकार ब्रांडिंग करेगी ताकि दुनिया भर में फिरोजाबाद के कांच उद्योग को पहचान मिले।